गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट ऑफ डीपीएस पब्लिक स्कूल। बच्चों, मैंने आपको बताया था पहले दिस और दैट के बारे में, आज मैं आपको बताऊंगा दीज और दोस के बारे में कि दीज और दोस का प्रयोग कैसे होता है। तो सर्वप्रथम हम पहले लिखेंगे यूज ऑफ दीज एंड दोस, दीज एंड दोज। दीज मीन्स क्या होता है, दोज मीन्स क्या होता है, पहले हम इसके अर्थ को समझ लें, क्योंकि किसी भाषा का ज्ञान बिना शब्दकोश के नहीं हो सकता। जब आपको किसी भाषा का शब्दकोश तैयार रहेगा तभी आपको उस भाषा का ज्ञान रहेगा। तो हम पहले आपको दीज मीन्स बता देते हैं। दीज मीन्स क्या होता है, टी एच ई एस ई दीज, दीज मीन्स से, दीज मीन्स से, और टी एच ओ एस ई दोज, दोज मीन्स वे, दोज मीन्स वे। हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया था दिस और दैट का प्रयोग। तो दिस और दैट का प्रयोग हम ये एक वचन संज्ञा वस्तुओं के लिए करते हैं, दिस का प्रयोग पास की एक वचन संज्ञा वस्तुओं के लिए, और दैट का प्रयोग दूर की एक वचन संज्ञा वस्तुओं के लिए। लेकिन हम यहां अब ये दिस जो है प्लूरल है और दोज भी प्लूरल है, तो दिस का प्रयोग हम पास की बहुवचन संज्ञा वस्तुओं के लिए करेंगे और दोस का प्रयोग हम दूर की बहुवचन संज्ञा शब्दों के लिए करेंगे। सपोज दैट, जैसे उदाहरण के लिए, अब आपके सामने जैसे एक पेन है तो ये एक वचन है। अगर यही पेन एक से अधिक हो गए, जैसे एक से दो, दो से तीन, तो कहने का मतलब ये प्लूरल हो गया, एक से अधिक। तो हम दीज और दोस का प्रयोग वहां करते हैं जहां एक से अधिक वस्तु है, और यह भी संकेत के लिए होता है, इशारा के लिए, सिर्फ इंडिकेट के लिए होता है, पास की वस्तुओं के लिए और दूर की वस्तुओं के लिए। तो हम दीज का प्रयोग कब करते हैं, दीज का प्रयोग पास की बहुवचन संज्ञा वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे अब ये हमारे पास तीन कलमें हैं, अगर एक पेन है तो ये पेन है, अगर एक से अधिक पेन हो गई तो ये पेन हो गया, तो ये हो गया बहुवचन। तो हम दीज का प्रयोग पास के लिए करते हैं, पास की बहुवचन संज्ञा वस्तुओं के लिए करते हैं। जैसे ये नजदीक है पेन, तो हम यहां दीज का प्रयोग करेंगे। अगर यही तीनों पेन या क्लास से बाहर हो जाए तो हम वहां दोज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोज मीन्स वे होता है। तो हमें इस पेन का प्रयोग दूर के लिए करना है, दोस्त का प्रयोग दूर के लिए बहुवचन संज्ञा के लिए, और दीज का प्रयोग जो है पास की बहुवचन संज्ञा वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि ये कलमे हैं, एग्जाम्पल के लिए एक कलमे हैं। बच्चों, आर मीन्स है होता है, जैसा आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है, इज मीन्स है और आर मीन्स है। तो आर का प्रयोग सिर्फ प्लूरल के लिए होता है, एक कलमे है। तो जैसे कि मैंने पहले ही लिख दिया है दीज मीन्स से, आर मीन्स है, और अगर एक पेन को हम कलम कहेंगे, लेकिन अब यहां कलमे हैं तो हम वहां प्लूरल का प्रयोग करेंगे, तो यहां पेन्स हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे दीज आर टेंस करेंगे। और अगर हम यही दूर के लिए हमें करना है कि वे कलमे हैं, तो हम वहां दोस का प्रयोग करेंगे, वे कलमे हैं, तो हम यहां दोस का प्रयोग करेंगे, दोज आर टेंस।
2000 पेंस, क्योंकि हमने यहां पास की बहुवचन संज्ञा वस्तुओं के लिए हम दीज का प्रयोग करते हैं और दोज का प्रयोग हम वहां करते हैं दूर की बहुवचन संज्ञा वस्तुओं के लिए हम दोज का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे पास कोई नजदीक वस्तु है तो यहां दीज का प्रयोग करेंगे, अगर कोई वस्तु दूर है बहुवचन वो बहुवचन में है या बहुवचन संज्ञा वस्तुओं के लिए तो हम दोज का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको और बता रहा हूं, जैसे उदाहरण नंबर एक, एक अलमे है। दूसरा वे कलमे है। एक किताबें हैं। एक किताबें हैं, वे किताबें हैं। अब आपको कहां दीज का प्रयोग करना है और कहां दोज का प्रयोग करना है। जैसे कि पहले ही मैंने बता दिया था कि दीज मीन्स है और दोज मीन्स वे, तो हम यहां क्या लिखेंगे, दीज आर बुक्स। क्योंकि अगर एक बुक है, अगर एक किताब है तो हम वहां बुक लिखेंगे, अगर एक से अधिक किताबें हैं तो हम वहां बुक्स लिखेंगे। बुक्स और वे किताबें हैं, तो इसका मतलब यह हुआ ये नजदीक के लिए दीज का प्रयोग हो रहा है बहुवचन संज्ञा शब्दों के लिए और ये दूर के लिए प्रयोग हो रहा है बहुवचन संज्ञा शब्दों के लिए। वे किताबें हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि दूर के लिए प्रयोग हो रहा है, तो दोज़ आर बुक्स, दोज़ आर बुक्स। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, अब आप उसको करके विद्यालय के व्हाट्सएप पे भेजिएगा। यदि कोई समस्या है तो आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा, या कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप उसको भी आप रिप्लाई करके भेज सकते हैं कि ये चीज मेरे समझ में नहीं आई। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, हमें डीज का प्रयोग कहां करना है, हमें दोज का कहां प्रयोग करना है। ए मुर्गियां हैं, नंबर एक, ए मुर्गियां हैं, तो हेन को मुर्गी कहते हैं तो मुर्गियां को क्या कहेंगे, तो हम प्लूरल का प्रयोग करेंगे क्योंकि बहुवचन है मुर्गियां। ए मुर्गियां हैं। नंबर दो, वे गुब्बारे हैं, तो बैलून मीन्स गुब्बारा, तो बैलून्स मीन्स गुब्बारे, क्योंकि ये बहुवचन की बात हो रही है यहां, वे गुब्बारे हैं। सिर्फ आपको ये करना है कि कहां दीज का प्रयोग होगा, कहां दोज का प्रयोग करना होगा। नंबर तीन, ए बिल्लियां हैं, तो कैट मीन्स बिल्ली, तो बिल्लियां के लिए क्या हो जाएगा, कैट्स हो जाएगा। ए बिल्लियां हैं, ए बिल्लियां हैं। चौथा, वे चूहे हैं। पांचवा, ए पतंगे हैं। छठवां, ए लड़के हैं। वे लड़के हैं। सातवां,
ए लड़कियां हैं, आठवां वे गाय हैं, वे गाय हैं। अब आपको यह करना है कि कहां दीज का प्रयोग होगा, कहां दोज का प्रयोग। जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि दीज का प्रयोग पास की बहुवचन संज्ञा वस्तुओं के लिए किया जाता है और दोज का प्रयोग दूर की बहुवचन संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है। अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए तो आप इसे विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजकर जो भी आपकी समस्या होगी आपकी समस्या का समाधान होगा। थैंक यू।